स्वागत है नए वीडियो में। आई थोड़े कैट होके तो आज माचूंगे आप सब क्लिक नई वीडियो लेके। इस वीडियो में सारी आपको मैं कलेक्शन दिखाने वाला हूँ जीन्स की। जैसे कि आपने काफ़ी सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें आपको सारे सरप्लस के आइटम दिखाता हूँ, जिसमें सारे गारमेंट्स की कलेक्शन रहती है। तो इस वीडियो में आपको जीन्स की आइटम मिलेगी। मिलते हैं क्या उनसे। हेलो मैम। हेलो सर। आपके पास जीन्स किस किस तरह की मिलती हैं? जीन्स हमारे पास सारी मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। और कंपनी की मिलने वाली आप देख सकते हैं, कंपनी टैग है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि आपको साइज फुल मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको छोटा साइज देने वाले हैं। सारी साइज हमारे पास फुल मिलने वाले, सारे साइज मिल जाएंगे। ठीक है मैम, जो जीन्स है वो सिर्फ गर्ल्स की रहने वाली है, जेंट्स की मिल जाएगी? बॉयज की भी है। बॉयज की भी है और बच्चों की रहनी हो तो जी बच्चों की मिल जाएगी, सबकी मिल जाएगी। ठीक है मैम, गर्ल्स बॉयज बड़ों की सबकी मिल जाएगी। ओके मैम, कितने प्राइस रहने वाला जीन्स का? प्राइस इसका ये पड़ेगा मात्र 50 रुपए। आपको मात्र 50 रुपए? जी सर। ठीक है मैम, इतनी सस्ती कैसे दे रहे हो? सर ये क्योंकि सरप्लस का आइटम है। अच्छा जी सर। मैम सरप्लस क्या होता है? सरप्लस वो होता है सर जो बड़ी बड़ी कंपनियों में जो माल बनता है, जो छोटी मोटी कमी के कारण वो रिजेक्ट हो जाता है। अच्छा। जो उसको हम सरप्लस कहते हैं। ठीक है मैम, आप जो प्राइस बता रहे हैं वही प्राइस मिलेगा ना? जी सर वही प्राइस मिलेगा, यही प्राइस मिलने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई बता कुछ और देंगे कुछ, यही माल मिलेगा, वो यही प्राइस होगा। अच्छा ठीक है। हाँ जी, थोड़ा फैब्रिक को थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे किस तरह का, मतलब क्वालिटी रहने वाली फैब्रिक रहेगा? देख सकते हैं सर, बहुत अच्छा फैब्रिक है, देखिए सर। ठीक है, ये देखिए। ओके आप खुद फील करके देखिए, कपड़ा देखिए सर क्या है, आप देख सकते हैं इसको। स्टैचू वाला है सबसे बड़ा। ठीक है मैम, किसी को घर बैठे किसी को मंगवाना, कितने पीस मंगवा सकते हैं वो? कम से कम नहीं तो 10 पीस तो मंगवाने पड़ेंगे। कम से कम 10 पीस, मतलब 500 रुपए कम से कम ऑर्डर रहेगा? जी सर, मिनिमम ऑर्डर हमारा 500। अच्छा ठीक है, मतलब मिक्स करके मंगवा सकते हैं ना, जैसे 5 जेंट्स के मंगवा ले 5 लेडीज के? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मतलब 10 पीस आप घर बैठे मंगवा सकते हैं, घर के लिए भी मंगवा सकते हैं आप, के 5-5 पीस मंगवा लीजिए। मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि पहले तो आप अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो कम से कम आप अपनी 10 पैंटे मंगवाएं। 10 पैंटे पहले एक बार ट्रस्ट बनाए, पहले देखे चीज क्या है, क्या दे रहे हैं, उसके बाद अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं आप। कई बार होता क्या है ना कि आप 50,000 का 10,000 का उठा लेते हैं, फिर एकदम से आपका लॉस हो जाए। उससे अच्छा पहले आप क्वालिटी चेक करिए कि है क्या चीज। ठीक है मैम, कुछ आप आइडिया दे सकते हैं कि मतलब बिजनेस किसी को करना तो किस तरह बिजनेस कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं तो बता सकते हैं प्लीज? सर बिजनेस के लिए मैं आपको बता दूं, ये आपको अगर 50 पैंटे भी आप हमसे लेते हैं, 50 पैंटे लिए मंगवाए, 50 पैंटे मंगवा के इसको अच्छे से प्रेस वगैरह भी करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी पीस निकलता है तो आप उससे करा सकते हैं, बाकी आपके सामने प्रोडक्ट सारा। ठीक है, इसको 50 रुपए क्या नाम है प्रेस करवा के अच्छे से पैकिंग करवाए। पैकिंग की पन्नी मैं आपको दिखा सकती हूँ, 1 रुपए की आती है सर। अच्छा ठीक है। हाँ जी, इसको पैकिंग करवा के अपना क्या नाम है आप सेल लगा लो, ग्रुप में डाल दो, ऐप चल रहे हैं सबसे बढ़िया, आप ऐप पे भी क्या नाम है लगा सकते हो। ठीक है, बाजार लगा लो, जैसे जैसा मर्जी आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हो अपने घर में। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, दूसरा मैं एक ही चीज बोलूं, सबसे बेस्ट जो महिला है ना जो घर बैठी जो कुछ नहीं कर सकती ना, वो सबके लिए सबसे बढ़िया है। अच्छा। दूसरा आपको पता होगा सर, अगर आप 50 रुपए आप खुद जानते हो 50 रुपए में आता है, 50 रुपए में 50 रुपए में कुछ नहीं आता सर। जी बिल्कुल। दूसरा अगर आप नॉर्मल पैंट भी लोगे तो 250 से कम की नहीं आने वाला, जो रेट है मार्केट में जो रेट है आपको भी पता है, जेन्युइन रेट है 250 रुपए, लेकिन हम 50 रुपए में दे रहे हैं सिर्फ। हाँ। अपना बिजनेस तो आप अगर मतलब 100 रुपए में अगर बेचेंगे तो काफी अच्छा बिजनेस आपका एक्सपेंड होगा सर। अगर आप 100 रुपए में बेच सकते हैं, 150 रुपए में भी कहीं नहीं जाएगा आपका, मतलब मेरे हिसाब से अगर आप इसको 150 में बेचेंगे तो हंस के आपका जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप 50 रुपए खुद खरीदते हो तो कम से कम 100 रुपए तो आपको बचेंगे। साइज सारे मिल जाएंगे? साइज बिल्कुल सर, सारे मिल जाएंगे, सारे मिल जाएंगे। जी सर। ठीक है, ओके तो मिनिमम ऑर्डर मैम ने जैसे आपको बताई दी कि सिर्फ 500 रुपए का मिनिमम ऑर्डर रहने वाला, मतलब 10 पीस आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। मैम डिलीवरी कहाँ कहाँ देने वाले हैं? डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया रहने वाले। ठीक है, तो मैम पेमेंट मैथड बताइए कैसे लेंगे? पेमेंट मेथड सीओडी नहीं रहेगी सर, बाकी कैश डिलीवरी नहीं है। जी नहीं, कैश डिलीवरी नहीं है, बाकी आप ऑनलाइन पेमेंट कर दें, पेटीएम जैसे मर्जी कर दें आप। और मैम कोरियर चार्ज किसके रहने वाले? कोरियर चार्ज कस्टमर के रहेंगे। अच्छा, कस्टमर के रहेंगे कोरियर चार्ज। ठीक है, और मैम आप थोड़ा पन्ने के बाद एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्या कह रहे थे आप उस टाइम, बता दीजिए। हाँ जी सर, मैं आपको बता दूं कि आपको ये पैकिंग वाली पन्ने ये आपसे नहीं मिलेगा, पैकिंग हुआ माल आपको सीधा का सीधा एक थान होता है ना, वैसे ही मिलेगी आपको। अच्छा जी सर, ठीक है, मतलब आपको खुद ही जाना पैक करना, अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो आप खुद ही पन्नी वगैरह लाके आप खुद पैक करके इसको सेल कर सकते हैं। जी सर। ठीक है मैम। सर मैं एक चीज और आपको बताने वाली हूँ, अभी पिछली वीडियो में कई कस्टमरों ने हमें एक चीज और बताने वाली, पिछले वीडियो में कई कस्टमर ये कम्प्लेन कर रहे थे कि आपने बताया कुछ और भेजा कुछ, तो माल हम ऐसा नहीं, ऐसे ये पैकिंग वाला नहीं देने वाले,
हम आपको ऐसा ऑर्डर करेंगे, अच्छा आप देख सकते हैं। अच्छा, ठीक है, मतलब इस तरह के आप ऑर्डर रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा ठीक है, ओके मैम। दूसरा प्रॉब्लम हमें नहीं है, एक रुपए की पन्नी है हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जी जी, हमें क्या कहते हैं 61 रुपए का हमें एक पीस पड़ेगा, ठीक है सर, 51 रुपए का, 51 रुपए का, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ऑर्डर वैल्यू कम होने के कारण है ना, क्या नाम है, तो कोरियर चार्ज ज्यादा बन जाता है, कोरियर चार्जेस भी ज्यादा बन जाते हैं सर। दूसरी बात है, क्या नाम है, ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं इस टाइम पे, तो टाइम नहीं है, सबसे बड़ी बात है टाइम की शॉर्टेज। देखो टाइम होता तो हम दे भी देते, हमें कोई बड़ी बात नहीं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इनका काफी सारा स्टॉक यहाँ पे भी पेंडिंग रखा हुआ है, और इनके गोदाम वगैरह भी है, वहाँ भी इनका काफी स्टॉक है। तो मतलब आपको जो ऑर्डर मिलेगा वो मिलेगा ओपन, मतलब सिर्फ विदाउट पन्नी, बच्चों को लेना हो, बड़ों को लेना हो, गर्ल्स को लेना हो, जेंट्स को लेना हो, तो सबका मिल जाएगा। आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो ही रहे हैं, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप ऑर्डर वगैरह कर सकते हैं। मैम ऑफिस टाइमिंग क्या रहने वाली है? ऑफिस टाइमिंग आपकी आपकी रहेगी सर 8 से 10 से 8। उसके बाद किसी को ऑर्डर करना हो तो अगर कोई देर रात तक अगर कोई वीडियो देख रहा है तो सर व्हाट्सएप ड्रॉप कर दे, हम अगले नेक्स्ट डे आपको रिप्लाई दे देंगे। नेक्स्ट डे रिप्लाई मिल जाएगा जी सर। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।